कलर्स चैनल के पॉपुलर शो बालिका बधू समेत कई बड़े सीरियल और फिल्मों का हिस्सा रही दिग्गज अदाकारा सुरेखा सीकरी, जिनको हम दादी सा के नाम से भी जानते हैं, 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शुक्रवार 16 जुलाई की सुबह दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। एक्ट्रेस लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। 2020 में सुरेखा सीकरी को दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक आया था, तभी से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 3 बार नेशनल अवार्ड जीत चुकी सुरेखा सीकरी के निधन से बॉलीवुड और टीवी गलियारों में शोक की लहर है। सेलेब्स ने सुरेखा सीकरी के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर फैंस समेत सेलेब्स सुरेखा सीकरी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरेखा सीकरी ने बालिका बधू में दादी सा का रोल किया था। इस रोल में सुरेखा को काफी पसंद किया गया था। एक्ट्रेस को उनकी दमदार अदाकारी के लिए जाना जाता था। सुरेखा का अलविदा कह जाना फिल्म टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान है।